रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक कर वितरित की गई कोविड किट। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में मंगलवार को पखरपुर सरस्वती शिशु मंदिर में कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए कोविड नियमों का पालन करते हुए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड किट का वितरण किया गया। खबर जनपद बहराइच से। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन संजीव श्रीवास्तव एडवोकेट ने बताया कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है। इसकी चपेट में आकर ग्रामीणों में मौतें भी हो रही हैं और प्रभावित लोगों को तमाम शारीरिक, आर्थिक व मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए ग्रामीण लोगों को संक्रमण से बचाव के तरीकों को लगातार बताया जाने के साथ साथ उन्हें कोविड टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किए जाने की भी आवश्यकता है। प्रगतिशील कृषक समाजसेवी अंबिका प्रसाद ने लोगों को साफ सफाई से रहकर शारीरिक दूरी बनाकर ही अपने दैनिक कार्य निपटाने का आग्रह किया और प्राकृतिक जीवन जीने की सलाह दी। RSS प्रमुख कृष्णानंद ने लोगों से योग व नियमित शारीरिक व्यायाम करके स्वस्थ जीवन जीने का तरीकों को बताया। प्रदीप पांडे ने आयुर्वेद आधारित औषधियों का उपयोग कर बीमारियों से दूर रहने का संदेश दिया। पखरपुर स्थित चिकित्सा केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर पीयूष सिंह ने चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे संसाधनों और औषधियों के बारे में जानकारी देते हुए आह्वान किया कि उपस्थित जागरूक लोग गाँव में लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के उपायों के बारे में बताएं, साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में सहभागिता का आग्रह किया। इस मौके पर ग्रामीणों को रेडक्रॉस राज्य शाखा के सहयोग से उपलब्ध कराए गए सामग्रियों, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन व ग्लव्स आदि का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप पांडे, कृष्णानंद शुक्ल, अंबिका प्रसाद, प्राचार्य उमेश शुक्ला, प्रदीप दुबे, धर्मेंद्र शुक्ला, हनुमान यादव, छोटे राम शुक्ला, सौरभ अवस्थी, राम पंटल पांडे, आलोक शुक्ला, मान सिंह, चंद्रिका मिश्रा व सोसाइटी के सदस्य सहित अन्य मौजूद रहे। पखरपुर के आवाज के लिए इम्ताज अहमद की खास रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि ये जो हमको उपलब्ध हो रहा है सरकार के तरफ से जो सहयोग हो रहा है, ये सरकार इतना नहीं कर सकती जब तक समाज सहयोग नहीं करेगा। और हम सबका काम निश्चित रूप से जो यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदुष लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं। एक काम तो इसका है, दूसरा यह है कि इम्यूनिटी पावर कैसे हम स्वयं बढ़ाएं, प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ा सकें, उस पर विशेष ध्यान देना है। हम देखते हैं कि हम आसपास गांव देहात में तो निश्चित रूप से पीपल है, बरगद है, जहाँ भी हो वहाँ कुछ घंटे दो घंटे समय जरूर दें बजाय इधर उधर घूमने के, वहाँ थोड़ा बैठने दूरी बना करके वहाँ बैठेंगे आपको पढ़ाई रूप से कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी। दूसरा यह है कि सब लोग जानते हैं लगभग अलग क्या टीवी है और उस पर देखते रहते हैं, तो बाबा रामदेव द्वारा जो बताया गया है भस्त्रिका है, कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, ये जितना है वो आप सब करिए घंटे दो घंटे, क्योंकि निश्चित रूप से ये घंटे दो घंटे स्वयं पर लगाइए। और स्वयं पर लगाने का मतलब यह है कि अपने शरीर को निश्चित रूप से स्वस्थ रखिए। अगर ये हम करते रहेंगे बराबर तो निश्चित रूप से हम बचे रहेंगे। और बाकी जो सावधानियां हैं, मास्क लगाना है, दो गज की दूरी रखना है, भीड़ से बचना है, ये सब तो करिए ही, लेकिन साथ साथ ये भी करिए, दूसरा हम बचें फिर परिवार की चिंता करना है, यानी स्वयं जागरूक होना फिर परिवार को जागरूक करना, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ हो, सबको मिला करके एक कम्युनिटी से आकार की बात की जा रही है, कम्युनिटी को इकट्ठा करके स्वयं प्राणायाम करें तो उनको मिले। इस कार्यक्रम को आयोजित किया और दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले ये कि हम अपने आप को, फिर अपने परिवार को, फिर समाज को, ये एक इस पहुँच को संतुलित करके ही स्वस्थ रह सकते, सुरक्षित रह सकते। पहली बात, जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं ये भी दूरियाँ थोड़ी और होनी चाहिए या तो कम लोग, ये अत्यंत आवश्यक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बिना मास्क के, बिना मास्क के हैं, सबसे पहले आप लगाइए मास्क, लगाएं मास्क को हमेशा नाक के बीच तक, वो मस्ट है, इसको जरूर हमेशा ध्यान दें, वरना ये अधूरा है, आपको ही वापस जो बाहर से मिलेगा वो अंदर जाएगा। तो दो चीज़ें, तीसरी चीज कहीं पे भी कोई दरवाजा, खिड़की, स्टेयरिंग हैंडल आप छू के आ रहे हैं, आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, पहले अपने हाथों को धुलें, घर के छोटे बच्चों से सबसे ज्यादा दूरी बनाए, दो चीजें। तीसरा, वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव जनवरी से शुरू हुई है, उस वैक्सीनेशन ड्राइव का पार्ट, उस वैक्सीनेशन पार्ट का ड्राइव का पार्ट आप सब लोगों को बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन का पार्ट होने के बावजूद उसमें सम्मिलित नहीं हो, उसके साथ साथ अभी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है, 1 जून 2021 से 18 वर्ष से प्रत्येक जो भी गेस्ट है उनको भी
हम टीकाकरण करेंगे, तो इस संदेश को आप सभी लोगों के माध्यम से, और उसके लिए किसी प्रकार का टाइम स्लॉट और की जरूरत नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। पांचवें एडिशन पीएससी और सीएससी पे संभवता, तो जिसका जियो एक दिन पहले ही आता है, 12 घंटे या 24 घंटे पूर्व ही आता है सूचना आती है कि आपको एकीकृत करना है या उसको आप विभिन्न जगहों पर करना है। तो ये जो भी सूचनाएं आएंगी वो संभव आगे प्रसार विचार प्रसार किया जाएगा। आरआईटी की हमारी 5 काम कर रही है, प्रत्येक दशा में जो भी पेशेंट आ रहा है वहां पे आदमी पहुंच के उसको ऑनलाइन में फोटोग्राफ करवाता हूँ, पर डे का कोलाज बन के जाता है। और आपको इस बात का फक्र होना चाहिए कि हम लोग लगातार सैंपलिंग में टॉप पे है पूरे जनपद में। मेरा ब्लॉग लोगों को बता रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ये बताने के लिए, समझाने के लिए लोगों को जन जागरूकता अभियान के तहत कि हमें मास्क क्यों पहनना चाहिए, मास्क जरूरी है, ये मास्क, ये साबुन, डिटॉल, कैसे हमारे घर परिवार मजबूत बने, स्वस्थ बने, शक्तिशाली बने, ताकि हम संचालन कर सके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, एक अच्छे घर परिवार का। डॉक्टर साहब को एक संदेश दिया गया है कि पकड़पुर विकास खंड में कोई व्यक्ति अस्वस्थ ना रहे, कोई पीड़ित ना रहे। संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि जहां भी कोई बीमार है वहां चिकित्सा से घर पहुंचाया जाए, सबका टीकाकरण किया जाए। अभी कभी डॉक्टर चर्चा करे थे 18 साल से जो भी उम्र है सबका टीका लगाया जाना चाहिए। एक संदेश देने के लिए गांव गांव में स्कीम चल रही है, इसके बारे में डॉक्टर बताएंगे। हमारा एक आग्रह है। फखरापुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।